वेलकम बैक गाइस, फिर से एक नए वीडियो के अंदर आए। आज लेकर आए सफारी डाइकोर 2.2 VDT, जो सफारी का पहला मॉडल है। 2010 का ये वेरिएंट है गाइस। इस गाड़ी ने जो तहलका मचाया है, पॉलिटिशियन से लेकर गैंगस्टर से लेकर एक्टर से लेकर सेलिब्रिटीज सभी ने इस कार को यूज़ किया है। अपने आप में एक राजा गाड़ी ये कहलाई जाती है। आज भी द रियल SUV अच्छे SUV को टक्कर देती है। सीधा स्टार्ट करते हैं। इसके इंजन बेस है जो कि हाइड्रोलिक, दोनों तरफ से दो हाइड्रोलिक स्टड दिए गए हैं। सीखना चाहिए अभी के वालों कंपनी में भी ये सारी चीज़ें। काफ़ी सारा कचरा आपको थोड़ा सा दिखाई देगा इधर उधर, क्योंकि गाड़ी काफ़ी दिनों से खड़ी थी। इंजन की बात करते हैं, डीजल के अंदर इसका 2.2 लीटर का इंजन मिलता है हमें, जो कि सीसी वाइज देखा जाए तो 2179 सीसी का इसके अंदर ये है इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 138 हॉर्स पावर और 320 Nm का टॉर्क। आपको जल्दी से इसकी आवाज़ सुनाता हूँ। मल्लर भाई सेल्फ मारो, इसको जल्दी से सेल्फ मार के सुनाता हूँ आपको। पूरा के पूरा इंजन वे हिल जरूर जाता है, आप जैसे कि आवाज़ सुन रहे हो। ये पर्टिकुलर व्हीकल सबसे कम नॉइज़ करने वाला है, ये आप ध्यान में रखिए। काफ़ी बड़ा इंजन है और पुराना इंजन होने की वजह से थोड़ा सा रिफाइन नहीं है, आवाज़ आती है बट पावर भी उतनी अच्छी प्रोड्यूस करता है। चलिए इंजन वे को करते हैं क्लोज, बाकी की चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसके हेडलैम्प से। हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं इसके अंदर, हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, हैलोजन फॉग लैम्प के साथ में कार ऑफर की जाती थी। सामने टाटा का लोगो, ग्रिल, सब कुछ बहुत ही बढ़िया। अब चलते इसके लेफ्ट साइड के प्रोफाइल से। लेफ्ट साइड के प्रोफाइल से चलने के बाद में सबसे पहले इसके टायर साइज़ के बारे में आपको बता दो। इसके अंदर टायर साइज में 16 इंच का इसका एलॉय व्हील आता था, और जो टायर साइज़ थी इसकी वो आपको नज़दीक से बताता हूँ। टायर साइज 235/70 R16 इसकी टायर से जाती थी। काफ़ी मासिव इसका टायर मिला करता था। जो ग्राउंड क्लियरेंस है बाइक कार का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 205 mm का मिलता था हमें, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आप ऑफ रोडिंग चलाइए, किधर भी चलाइए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं फेस करनी पड़ती कार के अंदर। काफ़ी स्टर्डी, काफ़ी ज़बरदस्त इसका डिज़ाइन, चलना, सब कुछ। जल्दी से देखते हैं पीछे के साइड से। पीछे भी टेल लैम्प में आप देख सकते हैं हैलोजन टेल लैम्प का सेटअप दिया गया है। काफ़ी सिंपल सेटअप दिया गया है। यहाँ पे पीछे आता था इसका रियर का फॉग लैम्प वगैरह, बगैर वो वक्त के साथ थोड़ा सा टूट फूट गया है। BS6 मॉडल है, अपडेटेड वर्जन है, और ये रस्टिंग का इशू टाटा के अंदर काफ़ी ज़्यादा पुराना है, पर फिर भी अभी तक भी लोहा काफ़ी सही है। यह इसका स्पेयर व्हील, देखते हैं पीछे इसके बूट में। तो पीछे आपको सीटिंग की दो ऑप्शंस मिलते हैं यहाँ पे, इसे आप फोल्ड कर सकते हो, रिट्रैक्ट कर हो सकता है। इसके पीछे आपको स्टेपनी और बाकी की चीज़ें मिलेंगी इन केस आपकी कार कहीं पे पंचर हो जाती है या टायर फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ पे आफ्टर मार्केट साउंड सिस्टम लगाया गया है, ये पूरी तरह से आप इसे पूरी तरह से इस तरह करके, काफ़ी बड़ा ये पूरा बंद करने के बाद में बूट स्पेस होता है आपको ऑफर। यहाँ पे भी आपको हाइड्रोलिक स्टड मिलेगा जो कि बूट पेज नीचे का टेल खोलने में आपको हेल्प करता है और बंद करने में। यहाँ पे स्टेप दिया गया है आपको चढ़ने के लिए, यहाँ पे ग्रैब हैंडल ताकि चढ़ते वक्त आप चढ़कर आराम से बैठ सको। अब जल्दी से मैं चढ़ के बताता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे किया इसे और ये है मेरी सीटिंग पोजीशन, इस तरह से कुछ। ऊपर मेरा हेड बहुत आराम से ऊपर टिक जा रहा है। यहाँ पे है लाइट का जो कि अभी चालू नहीं है, ये है सामने का। तो यहाँ पे तो बैठना तो वैसे पॉसिबल है, थाई सपोर्ट तो नहीं है, बट यहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं, बड़ों का भी बैठना हो सकता है, बट थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा आपको विंडो का व्यू मिलेगा। चलिए अब उतरते हैं पीछे वाली सीट्स की तरफ। यहाँ पे किया हूँ मैं बंद, अब जाते हैं पीछे के साइड। खोलने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा, क्योंकि एक टाइम के पर्टिकुलर स्पीड के बाद में गाड़ी वॉबल होती है, तो उसके लिए बचने के लिए आपको पीछे भी पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल मिलेगा। पावर विंडोज़ है, उसके बाद में आपको यहाँ पे डोर पॉकेट भी ऑफर होता है, और यहाँ पे साउंड भी ऑफर होता है गाड़ी के अंदर। जल्दी से यहाँ पे स्टेप है, चढ़ गए बैठने के लिए, चढ़ गए गाड़ी में, हम इस तरह बैठ गए। काफ़ी बढ़िया इसका थाई सपोर्ट यहाँ पे आप देखने को मिलेगा, काफ़ी मतलब सही इसका एक थाई सपोर्ट है, आप देख रहे हैं पूरी तरह से। और यहाँ पे लेग रूम भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे AC के इवेंट्स दिए गए हैं जहाँ पे आप पीछे से ही कंट्रोल कर सकते हो उसे। उसके बाद में यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे एशट्रे हुआ करता था जो कि अभी नहीं है, यहाँ पे एशट्रे हुआ करता था। यहाँ पे ऊपर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे भी AC के इवेंट्स दिए गए, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो AC, जो कि अभी चालू हुआ, अभी बंद हुआ है।
पीछे के लिए, बीच में कैबिन लाइट ऑफर करी गई है आपको। उसके बाद में यहाँ पे इस तरह आने के बाद काफ़ी बढ़िया आपको व्यू सामने का रोड का दिखाई देगा। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस गाड़ी इंटीरियर में आप कह सकते हो 1 BHK के तौर पर, इसलिए यहाँ पे झाड़ू भी रखा गया था कि 1 BHK की साफ़ सफाई वक्त पे की जा सके। अब चलते हैं बाहर और आपको एक काफ़ी यूनिक चीज़ बताता हूँ, शायद आप लोगों को ये बात पता हो। यहाँ पे नॉब को अनलॉक करने के बाद में, अनहैच करने के बाद में आप सीट को यहाँ पे, और एक नॉब है, इसको इस तरह ऊपर करो और सीट पूरी तरह से ऊपर हो जाता है। मैं उधर की साइड से भी करके दिखाता हूँ ये चीज़। जल्दी से आ गए हम इधर, खोल लिया, अनहैक किया यहाँ से भी और फिर उठा लिया और इस तरह से पूरे सीट हो जाते हैं इसके फोल्ड। फिर हम आते हैं पीछे, पीछे आने के बाद में इसे भी करता हूँ ऊपर, इसे भी करता हूँ ऊपर एंड बूम, इतना बड़ा आपको पीछे बूट स्पेस ऑफर होता है अगर आप बीच में की सीट्स को पूरी तरह से फोल्ड कर दो तो, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। कुछ बड़ी चीज़ें अगर आपको इधर से उधर लेके जाना हो तो आपके इस 1 BHK सफारी के अंदर सब कुछ बड़ी ही आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकते हो भाई। इसीलिए ये इतनी पसंद की जाती थी कि आप मल्टीपर्पज़ इसे यूज़ कर सकते हो। असली SUV है, रियल व्हील ड्राइव है, 4x4 का भी ऑप्शन इसके अंदर मिलता था, 3.0 लीटर का इंजन भी आता था, 2.2 में पेट्रोल इंजन भी मिला करता था, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है। टेल ओके, अब चलते हैं फ्रंट की तरफ जहाँ पे ड्राइवर और पैसेंजर यानी कि को पैसेंजर बैठने वाले। साइड में ड्राइवर साइड से हमें मिलता है डोर पॉकेट, यहाँ पे साउंड और ये जो आप बड़े बड़े होल देख रहे हो ये है AC के वेंट्स, एयर आने के लिए। ड्राइवर साइड भी और पैसेंजर साइड भी मिलेंगे दोनों भी। और यहाँ पे है विंडोज़ के कंट्रोल, मिरर आप ऑटोमेटिक कंट्रोल कर सकते हो, मतलब एडजस्ट कर सकते हो। फोल्डिंग इसके ऊपर के वेरियंट्स में आता था वो भी है। यहाँ पे पकड़ने के लिए छोटी सी जगह और यहाँ पे आपको मिलेगा डोर खोलने के लिए। यहाँ पे सीट हाइट एडजस्टमेंट और सीट का आगे पीछे जो अपन करते हैं टिल्ट। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। अंदर आने के बाद में सबसे पहले हमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑफर करने के लिए मिलती है। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे आपको कॉइन भी रख सकते हो या आप एस्ट्रे के बोल के भी इसे यूज़ कर सकते हो, आपके हिसाब से। काफ़ी सारी जगह है यहाँ पे कॉइन रखने के लिए भी, बाकी चीज़ें के लिए। गियर नॉब जो कि पूरा पश्चिम दोनों तरफ चला जाता है। काफ़ी सारी इसकी वुडन फिनिश में आती है चीज़ें जो कि काफ़ी एक अच्छा सा टच देती है। यहाँ पे AC के कंट्रोल सब कुछ मैनुअल है इसके अंदर। इसके ऊपर के वेरिएंट्स में आप बाकी की चीज़ें भी ऑफर करने मिलती थी, जैसे कि क्रूज कंट्रोल हो गए, बाकी की चीज़ें आपको मिलती थी। यहाँ पे है हेडलैम्प का लेवर, आपको किस लेवल पे चाहिए वो एडजस्ट करने के लिए। फ्यूल का नॉब खोलने के लिए काफ़ी सारे बाकी के अलग अलग कंट्रोल, फॉगर, डिफॉगर, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको लॉक किया है, मगर छोटा सा एक स्पेस मिलेगा आपको, यहाँ पे भी इसे लॉक कर दिया गया है। अभी लॉक एंड लॉक की सिस्टम इसके अंदर भी है। लेफ्ट साइड में भी सेम, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको यहाँ पे हैंड रेस्ट काफ़ी एक कंपनी के साथ में तगड़ा मिलता है और जो सीटिंग है वो तो ज़बरदस्त। अब करते हैं इसके क्लस्टर की बात, जिसके अंदर हमें आरपीएम मीटर, फ्यूल मीटर, यहाँ पे डिजिटल में हमें किलोमीटर का मीटर और यहाँ पे स्पीडोमीटर और हीट का हीट इंडिकेटर सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे काफ़ी सारी वार्निंग लाइट्स वगैरह इसके अंदर सेम वैसे ही। राइट में हमें मिलेगा इंडिकेटर का बटन, उसके बाद में फ्लैश। लेफ्ट में हमें मिलेगा वाइपर का कंट्रोल। यही था, अब जल्दी से चलते हैं इसकी एक राइड लेते हैं, देखते किस तरह से ये चलती है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं जल्दी से इंजन को, हियर वी गो। और स्टार्ट होने के बाद फौरन 1000 RPM के पार, ठीक है। और ये पूरा पश्चिम होने के बाद फर्स्ट गियर में हमने इसे किया, हैंड ब्रेक डाउन और हियर वी गो। काफी एक जबरदस्त पंच इसका, 320 Nm टॉर्क का जबरदस्त इसका पंच। इतना बड़ा व्हीकल होने के बावजूद भी ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये पिकअप के मामले में, पंच के मामले में हमें कम मिलेगा। काफी अच्छा टर्निंग रेडियस काफी बड़ा है, ऑब्वियसली काफी बड़ा व्हीकल है। एक RPM पे अगर ज्यादा देर चलो एक गियर पे तो काफी ज्यादा नॉइस होता है। इसे ट्राई मत करना, ये खाली रोड है इसलिए इस तरह से हम भगा कर ट्राई कर रहे हैं इसे। टर्निंग रेडियस इतना बड़ा है कि टर्न इतने रोड पे भी नहीं हो पा रहा है।
चलिए इसे हाईवे के ऊपर ट्राई करते हैं। पिकअप तो आपने देख लिया, फर्स्ट सेकंड गियर के अंदर ही है, 60 प्लस जा रही है गाड़ी, जो कि काफ़ी बढ़िया है। रेड लाइन क्रॉस करने के बाद में थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर वाइब्रेशन और नॉइस हमें सुनाई देगा, दिक्कत महसूस होगा। चलिए हाईवे के ऊपर देखते हैं किस तरह से चलती है गाड़ी। ठीक है गाइस, तो अब हम लग चुके हैं हाईवे के ऊपर, देखते हैं सस्पेंशन वगैरह किस तरह से परफॉर्म करते हैं, जो कि बढ़िया ही है। गाड़ी का जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है गाइस ज़बरदस्त, इस तरह से ऐसा लग रहा है कि मैं एक फर्स्ट फ्लोर पे बैठा हूँ, इतना हाइट है कार को। और जो कंट्रोल है वो काफ़ी ज़बरदस्त है, मैं काफ़ी दूर तक बोनट वगैरह सब कुछ इतना क्लियर देख पा रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस अंडर कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा। गाड़ी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत है, बस थोड़ा सा हायर स्पीड पे मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी थोड़ी सी अनबैलेंस हो जाएगी, क्योंकि इसका जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्विक करेगा। बॉडी रोल तो बेशक काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी के अंदर, मगर जो परफॉर्मेंस भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है गाड़ी के अंदर, ज़बरदस्त। 2.2 का जो इंजन है डीजल, काफ़ी अच्छा। और स्पेस के मामले में, कंफर्ट के मामले में, अभी आप देख रहे हो इतने बड़े स्पीड ब्रेकर पे से गाड़ी को लिया, ऊपर बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा कुछ भी, इतने अच्छे से बम्प्स को ये ले लेती है। पर बस इसका यही एक इश्यू है कि कोई भी पुरानी आप टाटा की गाड़ी ले लो, उसके अंदर ये मिलना ही मिलना है, ना जाने क्यों कुछ बिल्ड क्वालिटी का मसला था ही तब टाटा के साथ में। बॉडी रोल ओवर, रोड प्रेजेंस, सब कुछ काफ़ी ज़बरदस्त है। 65 लीटर का इसके अंदर टैंक आता है डीजल का, और जो माइलेज की अगर आप बात करो तो माइलेज 10 से 13 के बीच में दे देती है, जो कि एक डिसेंट है इस साइज़ के व्हीकल के हिसाब से, इस पावर के व्हीकल के हिसाब से अगर आप सोचो तो। रोड के ऊपर आपका रोला मचना ही मचना है अगर आप इस गाड़ी के अंदर सवारी कर रहे हो तो, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लॉन्ग टूरिंग के लिए यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा। उस ज़माने में इस लेवल की कंफर्टनेस और वो दी गई थी जो कि आज के व्हीकल्स में भी नहीं मिलती, फीचर्स और ये और वो ज़्यादा लोडेड की जाती है, मगर जो मेन चीज़ है वो है इसका आराम कंफर्ट, वो काफ़ी मुश्किल से आपको इन दिनों की गाड़ियों में देखने मिलता है। पॉलिटिशियन से लेके हर कोई दीवाना है इस गाड़ी का, आज भी कितने सारे लोग इसे यूज़ करते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे इस गाड़ी के बारे में ये लगती है कि आप जब भी देखते हो कि येलो पार्टी के अंदर आपको हर कोई कार दिख जाएंगी, येलो पार्टी के अंदर हर कोई, यानी BMW भी दिख जाएगी, ऑडी भी दिख जाएंगी, बाकी की गाड़ी है तो दिखती है इनोवा, एवरीथिंग। बट मैंने आज तक पर्सनली मेरे लाइफ में कोई भी ऐसी सफारी नहीं देखा हो कि जो येलो पार्टी है, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल बोल के यूज़ किया जा रहा है, या पैसेंजर व्हीकल बोल के यूज़ कर किया जा रहा है, या रेंट भी दिया जा रहा है, ऐसे मैंने कोई भी सफारी व्हीकल आज तक नहीं देखा हो। मैंने बाकी काफ़ी सारे व्हीकल्स को देखा हो, ऐसा नहीं है कि जो बढ़िया गाड़ियाँ है उनका माइलेज ज़्यादा होता है इनसे, या इसकी इतनी देने वाली माइलेज भी मैंने काफ़ी गाड़ियाँ, यानी कि स्कॉर्पियो बोलेरो रहती है जो इसकी इतनी माइलेज देती है ऑलमोस्ट, वो तक मैंने रेंट पे देखा हो, येलो नंबर प्लेट में, येलो रजिस्ट्रेशन में देखा हो, बट सफारी कभी भी नहीं देखा हो। इस लेवल का इस गाड़ी ने नाम कमाया है, इस लेवल का ये गाड़ी का रुतबा है ज़बरदस्त। आज भी आप फॉर्च्यूनर के साथ में कर लो इसका कंपैरिजन, माना कि फॉर्च्यूनर के साथ में इंजन में, स्पीड में, बाकी की चीज़ों में नहीं होता, मगर रोला मचाने में आज भी ये फॉर्च्यूनर और एंडेवर और स्कॉर्पियो के साथ खड़ी रहती है। आगे वाला वीडियो हम स्टॉर्म के ऊपर करेंगे, जो इसका अपडेटेड वर्जन है, इसके अंदर 3.0 लीटर का भी जो इंजन आता था उसका वीडियो करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सभी वीडियोस को जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए देखते हैं कंक्लूजन कैसा है गाड़ी का मेंटेनेंस एंड ऑल, लेट्स गो। तो जैसे कि आपने कार का राइड एक्सपीरियंस देखा, काफ़ी ज़बरदस्त है, ऐसा लगता है कि रोड के ऊपर हम टैंक लेके चलते हैं, काफ़ी फर्म चलती है, मगर कम RPM पे ही ज़्यादा मज़ा आता है। किसी एक गियर को ज़्यादा RPM पे लेकर जाओगे तो काफ़ी ज़्यादा नॉइस करती है, काफ़ी अच्छा पिकअप वगैरह। मेंटेनेंस के मामले में अगर बात करो तो आपके जेब पे बहुत भारी पड़ती है ये कार, क्योंकि इसका पार्ट्स मिलना काफ़ी मुश्किल है, अगर मिल भी जाए तो काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। आपके इस कार के बारे में कोई एक्सपीरियंसेस हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, कार कैसी लगी वो भी बताना। बाकी सब तो मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की, कुछ रह गया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलना। और स्पेशल थैंक्स टू मल्लर भाई जिन्होंने हमें उनके कार पे शूट करने का मौका दिया, काफी बढ़िया ये रही कार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।